नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमित टेक्निकल स्टडी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित जीके के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लगभग सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बात करें पन्ना लाल घोष की, तो इनका जो संबंध है वो बांसुरी से है, तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद जागीर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें उस्ताद जागीर हुसैन की, तो इनका संबंध तबला से है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें अमजद अली खान की, तो ये एक सरोद वादक है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें हरिप्रसाद चौरसिया की, तो इनका जो संबंध है ये बांसुरी से है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बात करें अनुष्का रविशंकर की, तो इनका जो संबंध है वो आपका सितार से है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बात करें उस्ताद अल्लाह रखा की, तो इनका जो संबंध है वो तबला से है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें उस्ताद बिस्मिल्ला खान की, तो इनका जो संबंध है शहनाई से है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्ला खान से संबंधित आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। बात करें उस्ताद बिस्मिल्ला खान की, तो सन 2001 में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। वहीं पर पद्म विभूषण की बात करें, तो इनको 1980 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, 1968 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 1961 में बात करें तो इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें पंडित रविशंकर की, तो ये एक सितार वादक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें अली अकबर खान की, तो इनका जो संबंध है वो सरोद से है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा की, तो ये एक संतूर वादक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अब बात करें हम विलायत खान की, तो इनका जो संबंध है वो सितार से है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खान की, तो ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अली अहमद हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें अली अहमद हुसैन की, तो ये एक शहनाई वादक है, तो ए ऑप्शन एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बात करें पंडित राम नारायण की, तो इनका जो संबंध है सारंगी से है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब जो है वो एक प्रसिद्ध वीणा वादक था, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सितार का जनक किस महापुरुष को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टीएन कृष्णन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक कौन है? बात करें भारत के प्रसिद्ध वीणा वादक की, तो इनका नाम है एस बालचंद्रन। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? बात करें वैष्णो देवी मंदिर की, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? बात करें अक्षरधाम मंदिर की, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? बात करें प्रेम मंदिर की, तो ये आपका वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो मध्य प्रदेश। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? बात करें एलोरा की गुफा की, तो ये आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बात करें लिंगराज मंदिर की, तो ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? बात करें सांची के स्तूप की, तो ये आपका सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नाम से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो फिलहाल बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा। बाकी आज के ये प्रश्न आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और हाँ, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही PDF और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर जो है आप टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।